नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता के आदेश दे दिए हैं। काफी समय से लंबित पड़े इस मामले के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की है। मध्यस्थता का आदेश देने से पहले कोर्ट ने एक टिप्पणी में कहा था कि ये कोई मामूली सिविल मुकदमा नहीं है, बल्कि ये देश की भावनाओं से जुड़ा मामला है। जाहिर है कि कोर्ट की मंशा जन भावनाओं से जुड़े इस जटिल मामले का सर्वमान्य समाधान निकालने की है। हम सभी जानते हैं कि अयोध्या भूमि विवाद मामला देश के सबसे पुराने टाइटल सूट में से एक है, जो कई अदालती प्रक्रिया और फैसलों से गुजर चुका है। अब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक नए सिरे से इस विवाद का समाधान करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज विशेष में हम आपको सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता पर लिए गए फैसले के बारे में विस्तार से बताएंगे, जानेंगे क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय ने क्या कुछ कहा, साथ ही कौन कौन है मध्यस्थ जो इस मामले को सुलझाने की कवायद करेंगे। आपको राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद टाइटल सूट से जुड़ी कानूनी पेच से भी रूबरू कराएंगे और राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। अयोध्या भूमि विवाद का समाधान निकालने की दिशा में एक नई पहल देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद मामला मध्यस्थता के लिए भेज दिया है। 3 सदस्यीय मध्यस्थता पैनल बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले से साफ है कि राजनीतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील इस मामले को कोर्ट से बाहर सुलझाने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता कार्यवाही की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया में अत्यंत गोपनीयता बरती जानी चाहिए। अयोध्या भूमि विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाया जाएगा। विवाद के सर्वमान्य समाधान की दिशा में नई पहल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद से जुड़े मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। शीर्ष अदालत ने मध्यस्थता के लिए 3 सदस्यीय पैनल गठित कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ये आदेश दिया है। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला मध्यस्थता पैनल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पैनल के अन्य सदस्यों में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम पंचू शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मध्यस्थता समिति इसमें और अधिक सदस्यों को शामिल कर सकती है और इस संबंध में किसी भी तरह की परेशानी की स्थिति में समिति के अध्यक्ष शीर्ष अदालत के रजिस्ट्री को इसकी जानकारी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर से ये मैटर मीडिएशन को भेजा है। जस्टिस कलीफुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो मीडिएशन के चेयरमैन रहेंगे। श्री श्री रविशंकर जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस मैटर में मीडिएशन रहेंगे और जस्टिस पंचू इस मैटर में मीडिएशन रहेंगे। ये मामला फैजाबाद में होगा। 8 हफ्ते के अंदर मीडिएटर को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करनी है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर से मीडिया को मना किया है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों को इस मैटर की रिपोर्टिंग करने से। पूरी तरह से सहमत हैं, बहुत अच्छा है और हम ऐसा मानते हैं कि बातचीत से मामला जल्दी सॉल्व हो जाएगा और राजनीति बंद हो जाएगी। जो लोग विरोध करते हैं वो निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण है, वो राम जी के आदर्शों पर नहीं चल रहे हैं। हम बातचीत के जो आर्डर आया है उसका स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पर बातचीत से सॉल्व हो जाएगा बेटा। संविधान पीठ ने ये भी साफ किया है कि मध्यस्थता की पूरी कार्यवाही उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में होगी और ये प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर शुरू हो जानी चाहिए। मध्यस्थता करने वाली ये समिति 4 हफ्ते के भीतर अपनी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया 8 हफ्ते के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। इस मामले में मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया इन कैमरा होगी, यानी मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस विवाद का समाधान निकले और इसके लिए मध्यस्थता कार्यवाही की सफलता सुनिश्चित की जाए। इसी नजरिए से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता प्रक्रिया में अत्यंत गोपनीयता बरती जानी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान कोई भी पक्ष जो विचार रखता है उसे गोपनीय रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये उसका मत है
कि गोपनीयता के जरिए से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मध्यस्थता से जुड़ी इस कार्रवाई की रिपोर्टिंग नहीं करे। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस मामले में फिलहाल कोई आदेश जारी करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थ इस बाबत जरूरत होने पर कोई भी आदेश पारित कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मध्यस्थता की ओर सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए आज एक रास्ता अपनाया कि वो ये समझ रहे हैं कि राम जन्मभूमि विवाद जो है ये आस्था का और विश्वास का मामला है। पहले ऐसा सुप्रीम कोर्ट मान रही थी कि ये लैंड डिस्प्यूट है और पट्टे के ऊपर उनको कहीं निर्णय करना है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरह से सुनवाई शुरू की नया बेंच गठित करके, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये मामला आस्था और विश्वास का है। इससे पहले 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता को लेकर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस दिन संविधान पीठ ने कहा था कि यह सिर्फ जमीन विवाद नहीं है, ये भावनाओं और दिल से जुड़ा मामला है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो पहले हुआ उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, अब विवाद क्या है हम उस पर बात कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट चाहता है कि आपसी बातचीत से इसका हल निकले। अयोध्या विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में 14 याचिकाएं दायर हुई हैं। 2010 के फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि तीनों पक्षकारों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बांट दी जाए। रविंद्र सिंह चौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता पैनल का गठन किया है। इसके लिए शीर्ष अदालत ने 3 लोगों को एक मध्यस्थता पैनल में नियुक्त किया है, जिसका नेतृत्व सेवानिवृत्त जस्टिस FM इब्राहिम कलीफुल्ला करेंगे। और इसके अलावा इस पैनल में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और मध्यस्थता विशेषज्ञ श्री राम पंचू भी होंगे। अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए 3 सदस्यीय पैनल गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला करेंगे। इनके अलावा पैनल में 2 और सदस्य हैं, जिसमें आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और मध्यस्थता विशेषज्ञ श्री राम पंचू हैं। 3 सदस्यों के इस पैनल के सामने दोनों पक्षकार अपनी बात रखेंगे और ये मध्यस्थता फैजाबाद में होगी। सबसे बड़ा कारण सुप्रीम कोर्ट को ये लगने लगा है कि ये मामला आस्था और विश्वास का है, श्रद्धा का है। इसमें कहीं सुप्रीम कोर्ट इतनी जमीन उसको दे दो, उतनी उसको दे दो से ये मामला निपटने वाला नहीं है, इसलिए मध्यस्थता की एक कोशिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। मध्यस्थता पैनल के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस कलीफुल्ला का पूरा नाम फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला है। उनका जन्म 23 जुलाई 1951 को तमिलनाडु के शिव गंगा जिले के कराईकुडी में हुआ था। उन्होंने 20 अगस्त 1975 को वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। वकालत के दौरान वे श्रम कानून से संबंधित मामलों में सक्रिय वकील रहे। 2 मार्च 2000 को उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया। इसके बाद फरवरी 2011 को वो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के सदस्य बने और 2 महीने बाद उनकी नियुक्ति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर हुई। सितंबर 2011 को उन्हें जम्मू कश्मीर का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 2 अप्रैल 2012 को उन्हें उच्चतम न्यायालय में नामित किया गया। 22 जुलाई 2016 को वे सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए। सुप्रीम कोर्ट एज अपॉइंटेड मीडिएशन कमिटी हेडेड बाय मी। आई कैन ओनली से दैट इफ द कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड वी विल टेक एवरी एफर्ट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट एमिकेबली। वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू मध्यस्थता पैनल के दूसरे सदस्य हैं। वे मध्यस्थता के जरिए केस सुलझाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मध्यस्थता कर केस सुलझाने के लिए द मेडिएशन चैम्बर नाम की एक कानूनी संस्था भी गठित की है। इस संस्था का काम आपसी सुलह के जरिए कोर्ट से बाहर मुद्दों को सुलझाना है। श्री राम पंचू भारतीय मध्यस्थतों के संघ के अध्यक्ष
और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान के बोर्ड में निदेशक हैं। उन्होंने 2005 में भारत का पहला मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया था और मध्यस्थता को भारत की कानूनी प्रणाली का हिस्सा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में वाणिज्यिक, कॉरपोरेट और अनुबंध संबंधी कई बड़े और पेचीदा मामलों में मध्यस्थता की है। असम और नागालैंड के बीच 500 किलोमीटर भूभाग का मामला सुलझाने के लिए उन्हें मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। इसके अलावा मुंबई में पारसी समुदाय के मामले का निपटारा करने में भी वो मध्यस्थता कर चुके हैं। देखिए, वो तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के ही उन्होंने अपने जज हैं, उनको लिया है, श्री श्री रविशंकर को लिया है, लेकिन बैलेंस किया है। श्री श्री रविशंकर के मामले में ये माना जाता है कि हिंदुओं की आस्था उनमें है, लेकिन ये कोई इसमें मध्यस्थता में कभी कोई स्प्लिट जजमेंट नहीं आती है। दो एक तरफ है, एक एक तरफ। मध्यस्थता का अर्थ ये होता है कि सब लोगों को जो सर्वमान्य निर्णय हो वो तय करने के बाद ये मध्यस्थता वाली कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थता पैनल के तीसरे सदस्य हैं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर विश्व स्तर के एक आध्यात्मिक और मानववादी गुरु हैं। उन्होंने साल 1981 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की। ये संस्था शिक्षा और मानवता का प्रचार प्रसार करती है। 1997 में उन्होंने इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यू की स्थापना की, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर उन मूल्यों को फैलाना है जो लोगों को आपस में जोड़ता है। श्री श्री रविशंकर का जन्म 13 मई 1956 को हुआ था। श्री श्री रविशंकर इससे पहले भी अयोध्या मामले में मध्यस्थता की कोशिश कर चुके हैं। इसके लिए वो अयोध्या भी गए थे और पक्षकारों से मुलाकात की थी। हालांकि उस प्रक्रिया का कोर्ट से कोई लेना देना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किए जाने के बाद श्री श्री रविशंकर ने कहा कि हम लोग सभी पक्षों की बात को ध्यान में रखते हुए इस मसले को भी मिलकर सुलझाने का काम करेंगे। अभी देखते हैं, ये देश के लिए अच्छा होगा, मीडिएशन से ही भला बनेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या भूमि विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता पैनल नियुक्त किए जाने के बाद इस मामले को सुलझाने में न केवल तेजी आएगी बल्कि सर्वमान्य समाधान निकालने की संभावना बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अयोध्या में विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर कई पक्षों ने कोर्ट में टाइटल सूट दायर किया। हाईकोर्ट से होता हुआ ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। मालिकाना हक से जुड़े केस में साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इसे तीन बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ अलग अलग पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ऐसे में आइए जानते हैं टाइटल सूट का क्या है पूरा मामला और किन किन पक्षों ने मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। अयोध्या विवाद को 450 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं निकल पाया है। अयोध्या मामले को लेकर चार टाइटल सूट दर्ज किए जा चुके हैं। पहली बार जनवरी 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में एक अपील दायर कर रामलला की पूजा अर्चना की विशेष इजाजत मांगी। इसी तरह का एक और मुकदमा दिसंबर 1950 में महंत परमहंस रामचंद्र दास की ओर से दायर किया गया, जिसमें मांग की गई थी कि हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने के लिए और बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति को रखने की इजाजत दी जाए। बाद में परमहंस दास ने मुकदमा वापस ले लिया। दिसंबर 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने टाइटल सूट के लिए तीसरा मुकदमा दायर किया। इसमें निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल को हस्तांतरित करने की मांग की। इसके बाद दिसंबर 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए चौथा टाइटल सूट मुकदमा दायर किया। देखिए, बहुत सारे हैं और बहुत सारे इसमें डिसमिस भी हुए हैं, जो कि फाइनली चार थे, जिसमें कि तीन डिसमिस हुए, जो एक ही है जो चल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने है और लोगों ने भी फाइल की हैं अपनी अपीलें, लेकिन सिर्फ एक सूट पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, बाकियों को डिसमिस किया था। अप्रैल 2002 में अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की। मार्च अगस्त 2003 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दावा था कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले हैं। मुस्लिमों में इसे लेकर अलग अलग मत थे।
28 सितंबर 2010 को सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विवादित मामले में फैसला देने से रोकने वाली याचिका खारिज करते हुए फैसले का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद 30 सितंबर को जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस एस यू खान और जस्टिस डी वी शर्मा की बेंच ने अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2.77 एकड़ विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया। राम मूर्ति वाला पहला हिस्सा रामलला विराजमान को दिया गया, राम चबूतरा और सीता रसोई वाला दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया और बाकी बचा हुआ तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। बेंच ने इस फैसले के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को ही आधार माना था। इसके अलावा भगवान राम के जन्म होने की मान्यता को भी फैसले में शामिल किया गया था। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि स्थिति 3 महीने तक बनाए रखा जाना चाहिए। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, एक रामलला विराजमान और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है उसको दिया हुआ है, तो 3 हिस्से में, जबकि ऐसी कोई प्रार्थना कोर्ट के सामने थी नहीं, सिर्फ टाइटल डिस्प्यूट ही था कोर्ट के सामने। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या की विवादित जमीन का दावा जताते हुए रामलला विराजमान की तरफ से हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की। दूसरी तरफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद कई और पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस दायर कर दी। इन सभी पिटीशंस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मई 2011 को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का ये विवाद सदियों पुराना है। आइए आपको बताते हैं कब और कैसे शुरू हुआ अयोध्या विवाद और कब कब सुर्खियों में आया राम जन्मभूमि का मुद्दा। एक पूरी सदी से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद अयोध्या विवाद का सर्वमान्य समाधान नहीं निकल पाया है। हिंदुओं के पक्ष के मुताबिक राम जन्मभूमि पर 1528 में मस्जिद बनाई गई। अयोध्या में 1853 में ऐसा पहली बार हुआ जब मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सांप्रदायिक दंगे हुए। कुछ सालों बाद 1859 में इस विवाद को सुलझाने के लिए तत्कालीन शासक ने विवादित जगह को चारों तरफ से घेर दिया और स्थल को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिनमें दोनों समुदाय परिसर में इबादत और पूजा करने लगे। पहली बार 1885 में ये मामला अदालत में पहुंचा। महंत रघुवर दास ने याचिका दायर की जिसमें उन्होंने मांग की कि यहाँ मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन तत्कालीन जज ने इसे खारिज कर दिया। राम मंदिर विवाद में अहम मोड़ 23 दिसंबर 1949 को आया और इसके बाद से विवाद गहरा होता चला गया। मंदिर के अंदर राम की मूर्तियां मिलने पर हिंदुओं में मंदिर बनाने की इच्छा प्रबल हुई। हिंदुओं का मानना था कि भगवान राम वहां प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिमों का कहना था कि छिपकर ये मूर्तियां वहां रख दी गईं। देखिए, ये बहुत पुराना है, 1528 में मंदिर ध्वस्त किया गया था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इसमें अपनी रिपोर्ट दी है कि मंदिर उसके नीचे था और मंदिर का ही सामान इस्तेमाल करके वो ढांचा, बाबरी ढांचा बनाया गया था और उसके बाद भी बड़े सारे झगड़े हुए हैं इसको लेके। जैसे जैसे ये विवाद बढ़ता गया वैसे वैसे सभी पक्ष अपनी तरफ से इसे पाने की कोशिश में जुट गए। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए बकायदा एक समिति का गठन किया गया। इसके बाद 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी। कोर्ट के आदेश पर ताले दोबारा खोले गए। इससे नाराज मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। जून 1889 में बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन देना शुरू करके मंदिर आंदोलन को नया मोड़ दे दिया। वहीं 9 नवंबर 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास की इजाजत दे दी। इसके बाद 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया।
अक्टूबर 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। 6 दिसंबर 1992 को बीजेपी, वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। ये तो स्वतंत्रता संग्राम के हमारे पहले है और बहुत ही पहले, एग्जैक्ट मेरे ख्याल से 1889 के आसपास का है जो पहला मुकदमा गया था, लेकिन चलते रहे, कुछ डिसमिस हुए, कुछ चलते रहे, कुछ खत्म हुए, तो पुराने अंग्रेजी जो जज थे उन्होंने भी बोला था यहाँ मंदिर था। देखिए ये इतिहास तो बहुत ही पुराना है, अंग्रेजों के समय में भी ये विवाद रहा और उसके बाद लगातार ये विवाद जो है वो कोर्ट के में भी चलता रहा और कोर्ट के बाहर भी इसमें आंदोलन होते रहे, लेकिन जब ये ढांचा गिरा उसके बाद से ये विवाद और बढ़ गया है और इसमें जो पक्ष हैं, निर्मोही अखाड़ा है और सुन्नी वक्फ बोर्ड है और ऐसे कई और जो केवल अपनी वहां की जो जमीन है उसकी दावेदारी में लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित बाबरी मस्जिद को तोड़ने की साजिश के आरोप में बीजेपी के 13 नेताओं पर केस चलाने का आदेश दिया। इसमें बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और केंद्रीय मंत्री उमा भारती शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में लखनऊ और रायबरेली की अदालतों में ये मुकदमे अब एक साथ चलेंगे। इस मामले में सीबीआई ने आडवाणी और 20 अन्य के खिलाफ धारा 153A, 153B, 505 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। इन लोगों पर धारा 120 के तहत भी आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया था, जिसे सीबीआई की एक विशेष अदालत ने हटा दिया था। इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी समर्थन किया था। इनमें से कई मामलों पर मुकदमे लखनऊ और रायबरेली में चल रहे हैं। बाबरी मस्जिद गिरने के 10 दिन बाद ही 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। लिब्राहन आयोग को 16 मार्च 1993 को यानी 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन आयोग को रिपोर्ट देने में 17 साल लग गए। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में एक अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसका काम विवाद को सुलझाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों से बातचीत करना था। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। हालांकि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज विशेष में मेरे साथ इतना ही, लेकिन हमारा शो आप राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।